सिंगोड़ी भाजपा मंडल ने निकाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ रैली। किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल माफ करने की मांग की। यूरिया संकट से जूझ रहा किसान सिंगोड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार के नेतृत्व में निकली रैली। कांग्रेस सरकार के खिलाफ किए नारेबाजी, बयान निभाओ वादा निभाओ। अमरवाड़ा विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कही जाने वाली ग्राम सिंगोड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी सिंगोड़ी मंडल के तत्वावधान में बस स्टैंड प्रांगण में भाजपा के अनेक कार्यकर्ता एकत्रित हुए। रैली के माध्यम से बस स्टैंड मेन रोड होते हुए सिंगोड़ी सेवा सहकारी समिति पहुंचकर कांग्रेस की खराब नीति, किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ न होना, बिजली बिल हाफ सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सिंगोड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार के नेतृत्व में आज अनेकों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की और कमलनाथ सरकार को उनके वचन याद दिलाए। वचन निभाओ वादा निभाओ के नारे के साथ प्रदेश सरकार को किसान विरोधी गलत नीति की सरकार बताया। वहीं भाजपा ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं वर्तमान समय में यूरिया की भारी कमी को लेकर किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, समय पर यूरिया नहीं मिल रही है। यूरिया के संकट को देख किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। साथ ही भारी बारिश से, ओला पाला, बाढ़ से, प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को भारी क्षति हुई है, जिससे किसान बहुत परेशान व चिंतित है, जिसका भी मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला है, जिससे किसान कर्ज के तले दब चुका है और दबते ही जा रहा है, जिसकी चिंता प्रदेश सरकार को नहीं है। यदि जल्द ही किसानों के हित में कोई ठोस निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है तो आगामी समय में भाजपा के द्वारा वृहद आंदोलन किया जाएगा। एनडीवी टाइम न्यूज रिपोर्टर योगेश चौरसिया की रिपोर्ट। आप युवा नेता हैं और वर्तमान में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं सिंगोड़ी के, तो आपके नेतृत्व में आज रैली भी निकाली गई और सरकार को चेताया भी गया कि किसानों का कर्जा माफ़ करें। किसानों के कर्ज माफी में आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है, मध्य प्रदेश की ये गूंगी बहरी सरकार है कमलनाथ की, इनके द्वारा ये कहा गया था कि 10 दिन में हम किसानों का कर्जा माफ़ करें और पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराएंगे। आज मध्य प्रदेश में ये स्थिति है, ना किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, ना हमें यूरिया की व्यवस्था मिल रही, ना हमको पर्याप्त बिजली मिल रही है। ये गूंगी बहरी सरकार है कमलनाथ की सरकार, इसके खिलाफ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में मंडल स्तर पर एक बेहद रूप में, हमने एक चेतावनी के संकेत के रूप में एक आंदोलन चालू करा है। अगर आप हमारे किसानों को कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, यदि हमें यूरिया उपलब्ध नहीं कराएंगे और हमको 10 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, इसके खिलाफ में भी आज हम सांकेतिक रूप से ये हमने आंदोलन चालू करा है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो इसके बाद में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को जगा देंगे, इसकी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इन बिंदुओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में आज संघर्ष कर रही है और कांग्रेस सरकार को ये बता रही है कि किसानों की विभिन्न समस्याएं, किन बिंदु पर लड़ाई हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इस सरकार के द्वारा किसानों के लिए अन्य कार्य किए गए, जिसमें यूरिया वगैरह भरपूर मिलती थी, किसानों को समय पे खाद बीज उपलब्ध कराना अच्छी गुणवत्ता की। लेकिन कांग्रेस ने झूठ बोलकर, झूठी वादा करके और 10 दिन के अंदर में मध्य प्रदेश के अंदर में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, समय पे यूरिया देंगे, सस्ती यूरिया देंगे और बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे, ऐसे अनेक प्रकार के झूठे वायदे करके मध्य प्रदेश के अंदर में ये मिथ्या सरकार बनी है। और आज 1 वर्ष होने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने न किसानों का कर्ज माफ़ किया है, जबकि पहले कांग्रेस का कहना था कि 2 लाख तक का कर्जा माफ़ और बिजली का बिल हाफ, लेकिन बाद में सरकार बनाने के बाद पीले कागज, सफ़ेद कागज और गुलाबी कागज के रूप में किसानों से फार्म भरवा के और गुमराह करना, इस प्रकार की अनेक मध्य प्रदेश में एक साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के हित में आंदोलन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि यह कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की बात की और आज 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं, है ना, किसानों के विषय में जरासी भी कोई अगर उसके सर पर जुआ रिंगती होगी तो नहीं रिंग रही है। ऐसे निकम्मी सरकार को भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में घेर रही है और गांव-गांव में इसका अभी हम लोग विरोध करेंगे और अगर हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने चाही तो हम इस सरकार को गिराने में अधिक लंबा समय नहीं लेंगे। और यह निकम्मी सरकार ने आज किसानों के प्रति जो यूरिया की महंगाई बढ़ाई है,
दवाई जो 300 रुपए में 200 रुपए में मिलती थी आज 350 रुपए में मिल रही है। पिछले वर्ष हम लोगों ने यह दवाई का उपयोग किया जिसमें हमको कोई फायदा नहीं मिला और महंगाई अति बढ़ रही है, तो हम यह निकम्बी कर कांग्रेस